अजय जी ऑन योर लेफ्ट हैंड, अजय जी आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही भोले एक्टर माने जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आप कभी कोई अपनी स्पॉटिंग नहीं कराते, आप कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, तो इतने भोले क्यों हैं आप? इतना ऐसा माना जाता है शांति से फिल्में करते हैं, फिर घर चले जाते, फिर दूसरी फिल्मों का अनाउंसमेंट करते हैं। आई थिंक काम तो शांति से करना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई थिंक कोई नहीं, कोई लंबा नहीं चलता। आई थिंक थोड़ी देर शायद थोड़ा चल जाए, बट चलता आदमी सिर्फ काम से है। और अगर आपका काम ठीक हो तो फिर आपको खुद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा है या बुरा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए, और हमारी अपनी लाइफ में इतना सारा काम है, इतनी सारी तकलीफें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों की लाइफ में घुस के उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, आई थिंक बेकार है, बहुत बेकार चीज़। सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब कृष्ण भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हमारी इंडस्ट्री में चाहिए सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से एक मजा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस, मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है, एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का, इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ, और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। थैंक